समीरा रेड्डी को थी हक लाने की दिक्कत। इस एक्टर ने की उनकी मदद। अपनी अदाकारी से फिल्म जगत में पहचान बनाने वाली समीरा रेड्डी ने हाल ही में दूसरे बच्चे को जन्म दिया है, जो कि एक बेबी गर्ल है। समीरा ने मां बनने की सूचना सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए अपने फैंस को दी। उन्होंने हाल ही में अपने बारे में एक बात बताई है, जिसके बारे में इससे पहले किसी को शायद उनकी इस बात का पता भी न हो। उन्होंने बताया कि उन्हें हक लाने की समस्या थी और ऋतिक रोशन की वजह से वे अपनी इस प्रॉब्लम से निजात पा सकी। एक चैट शो में समीरा ने अपने उन दिनों की यादें ताज़ा करते हुए कई बातें कही, जब वे बोलते समय हकलाती थीं। उन्होंने कहा कि ऋतिक रोशन ने भी अपनी लाइफ में हकलाने की दिक्कत को फेस किया है और समीरा के मामले में भी उन्होंने ही उनकी मदद की। उन्होंने कहा, हकलाने की समस्या के चलते मैं किसी के सामने बातचीत करने में काफी हिचकिचाती थी और ऑडिशन तक के लिए जाने में यह सोचकर झिझकती थी कि लोग मुझे जज करेंगे। ऋतिक काफी स्वीट और केयरिंग है। उन्होंने मेरी इस दिक्कत को नोटिस किया और मुझे उन्होंने एक किताब दी। इस किताब ने मेरी जिंदगी बदल दी। इसने मेरे डर को दूर भगाने में मेरी मदद की। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मेरी स्पीच में बदलाव आया है। मैं स्पीच थेरेपिस्ट के पास भी गई और अपने स्पीच पर मैंने काम करना शुरू किया। उस किताब के लिए मैं ऋतिक का जितना शुक्रिया अदा करूं वह कम होगा, जो आज भी मेरे पास है। समीरा ने साल 2014 में एक बिजनेसमैन अक्षय वर्दे से शादी रचाई थी। दोनों को साल 2015 में एक बेटा भी हुआ। समीरा ने डरना मना है, नो एंट्री, रेस, दे दनादन जैसी कई फिल्में की हैं।